हेलो, आज हम सीखेंगे डिवीजन के बारे में। लेकिन डिवीजन सीखने से पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की डिवीजन करते हैं। देखिए, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, बहुत अच्छी तरह से आता है हमें, है ना। फिर हमने ये सीखा था कि जो मल्टीप्लिकेशन है इज़ अ फ्रेंड ऑफ एडिशन, क्योंकि हमें जब बड़े नंबर्स ऐड करने होते हैं वी टेक अ हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। और उसके लिए हमने बहुत अच्छी तरह से टेबल्स भी लर्न करी थी। अगर नहीं करनी है तो लर्न कर लेना, क्योंकि डिवीजन उसी को ही आता है समझ जिसको टेबल्स आती हैं, मल्टीप्लिकेशन आता है। अब बारी आती है सब्ट्रैक्शन। देखिए, डिवीजन जो है इज़ अ फ्रेंड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर मेरे पास मान लो 100 टॉफ़ीज़ हैं, मुझे 10 बच्चों में बांटनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको डिवाइड करूँगी। इंस्टेड ऑफ एक एक करके बांटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एक बांटो, दो बांटो, तीन बांटो, फिर चार बांटो, फिर पांच, है ना। तो मैं क्या करूँगी, आई विल टेक अ हेल्प ऑफ डिवीजन। तो मैं 100 को डिवाइड करूँगी, 100 टॉफ़ीज़ हैं तो 100 को डिवाइड करूँगी कितने बच्चों से, 10 बच्चों से। तो मैंने डिवाइड करा तो आंसर आ गया 10। दैट मीन्स मुझे 10 टॉफ़ीज़ हर बच्चे को बांटनी है, तो मेरी टॉफ़ीज़ इक्वली बढ़ जाएंगी। तो इतना ईजी कैसे समझा, क्योंकि मैंने हेल्प ली डिवीजन की। इसलिए अब मैं आपको समझाऊंगी कि देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग डिवीजन। ये तो नॉर्मल तरीका है, जैसे अभी से समझाया कि 100 टॉफ़ीज मुझे बांटनी है, 10 बच्चों में बांटनी है, मैं डिवाइड करूंगी 10 से 100 को और इक्वल टू आ जाएगा 10। तो मैं 10 टॉफ़ीज 10 बच्चों को दूंगी तो मेरी 100 टॉफ़ीज बढ़ जाएंगी। अब इसी तरीके से अगर मुझे नंबर लाइन पर दिखाना है कि मुझे 6 / 2 इज इक्वल टू 3, हमें पता है 2 × 3 = 6 होता है, है ना। तो अब मैं 6 को डिवाइड करूँगी तो 3 आंसर आना चाहिए। कैसे पता लगेगा, मुझे डिवाइड किसे करना है, 6 को, तो मैंने 6 ले लिया। यहाँ पे कितने कितने हमें लेने हैं, किससे करना है, 2 से करना है, यानी कि हम 6 से उठे और यहाँ पे आके 4 पे, ये 2 हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 पे जाएंगे, क्योंकि अभी पूरा बटा नहीं है, हमें 6 को पूरा बांटना है। तो हम फिर गए, अभी भी बचा है कुछ, तो हम फिर गए, अब 0 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। यानी कि 6 से हमें 0 पे आने के लिए हमने कितनी बार जंप करा है, 6 से 4 पे, 4 से 2 पे और 2 से 1 पे। तो ये कितने टाइम आ गए, 1, 2 और 3। तो दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब चलिए जानते हैं एक और तरीका, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10 / 2 किसको डिवाइड करना है, 10 को, तो हम पहुंच गए 10 पे, हमने इसे सर्कल कर लिया। अब कितनी बार जंप करना है, 2 टाइम्स, हमें 2 टाइम्स जंप करना है। तो हम 10 से 2 छोड़ के जंप करेंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास बचे हैं बहुत, 0 नहीं पहुँचे, तो हम क्या करेंगे, फिर दोबारा जंप करेंगे 2 छोड़ के, फिर बचा हुआ है इससे फिर दोबारा जंप करो 2 छोड़ के, फिर देखो बचा हुआ है, फिर 2 पे जंप करो और फिर बचा हुआ है। तो हम 0 पे पहुंचने के लिए हमने कितनी जंप्स लगाई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूँगी 2 से, 10 से मुझे 2 जंप्स लेके जानी है, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। तो मुझे कितनी बार जंप करना पड़ेगा 0 पे पहुँचने के लिए, 5 टाइम्स। तो ये नंबर लाइन के तरीके से हम ऐसे समझा सकते हैं। अब आता है सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्ट्रैक्शन मेथड से भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा यही है, 10 / 2, अब मुझे नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, तो मैं क्या करूँगी, किसको डिवाइड करना है, 10 को, 10 ले लूँगी, और किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो 10 + 2 आंसर आ गया 8। लेकिन मेरा आंसर 8 आया है, अभी सॉल्व नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है, दोबारा 2 से माइनस कर दूंगी, आंसर आया 6, 0 आना चाहिए, 0 तो आ नहीं रहा, फिर माइनस कर दूंगी 2 को, 4 आ जाएगा, फिर 0 नहीं आया, 4 से लेस 2 करा 2 आया, 2 से लेस 2 करा 0 आया, यानी अब 0 नीचे आ गया है। तो मुझे कितनी बार 10 में से 2 को माइनस करना है 0 लाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5,
तो मैंने 5 बाई डिवाइड करा, 5 बाई लेस करा, तब जाके मेरा आंसर आया 0। इसलिए अब हमें पता लग गया कि मैं 2 को कितनी बार माइनस करूँगी, 5 बारी माइनस करूँगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से अपना सब्ट्रैक्शन मेथड से भी और जो हमारा दूसरा मेथड है डिवीजन नॉर्मल नंबर लाइन मेथड है उससे भी हम अपनी डिवीजन शो कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगली बार फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।